हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपको आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस दोनों में काम आएगा। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। हम एक एक कथन को देखते हैं क्या कहता है और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को समझकर कथन को सही या गलत के बारे में पता करेंगे। पहला कथन कहता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति के डीएनए विशेषताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है जो उंगलियों के निशान की तरह अद्वितीय है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अंगूठे का निशान होता है, वो किसी से भी मैच नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो हर व्यक्ति का अलग होता है, ये किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं करता है। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए टेस्ट करने की बात कही जाती है। यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो अपराधी तक सटीकता के साथ पहुंचा जा सकता है। इसलिए पहला कथन दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति की डीएनए विशेषताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। आप याद रखेंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो हर व्यक्ति का अपना अलग पहचान होता है, किसी भी प्रकार की कोई रिपीटेशन किसी के साथ नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा कथन क्या कहता है, डीएनए बारकोडिंग एक व्यक्ति के बजाय एक प्रजाति की पहचान की एक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि डीएनए बारकोडिंग जो होती है क्या वो एक व्यक्ति के लिए किया जाता है या फिर किसी समूह के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है वो किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन जो डीएनए बारकोडिंग होती है वो किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं, किसी समूह या फिर प्रजाति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका उपयोग कौन सी प्रजाति का व्यक्ति, कौन सा प्रजाति का कौन है या फिर कौन से समुदाय से कौन संबंध रखता है, इसकी पहचान करने के लिए डीएनए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है। तो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझ लिया, डीएनए बारकोडिंग के बारे में समझ लिया, डीएनए बारकोडिंग और फिंगरप्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है इसे भी समझ लिया। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आप सतर्क रहेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, कृत्रिम रक्त यानी कि आर्टिफिशियल ब्लड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह आरबीसी और प्लेटलेट्स का कार्य करता है लेकिन WBC और प्लाज्मा का कार्य नहीं करता। हम एक एक करके देखते जाते हैं और इस बात को चेक करते जाते हैं कि वो गलत है या फिर नहीं है। इसी के माध्यम से आप समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में दिए गए पहले कथन का, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है वो RBC और प्लेटलेट्स का कार्य करता है। गलत, जो आर्टिफिशियल ब्लड निर्मित किया गया है वो केवल और केवल RBC का कार्य करता है। RBC का क्या कार्य होता है, केवल वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का कार्य करता है। तो इसी उद्देश्य के साथ आर्टिफिशियल ब्लड को बनाया गया था। इसका प्लेटलेट्स, WBC या फिर प्लाज्मा से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक मानव इस चीज़ को नहीं खोज पाया है कि कोई भी रक्त का कण प्लेटलेट्स, WBC या प्लाज्मा के रूप में कार्य कर पाए। तो आप याद रखेंगे, कृत्रिम ब्लड जो है वो केवल RBC यानी कि रेड ब्लड सेल के रूप में कार्य करता है, और RBC का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना और ले जाना, यानी कि पहला जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है, यह कृत्रिम रक्त का व्यक्तिगत विकास रक्त आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित बनाते हुए हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार किया गया। गलत, इसका परीक्षण
हाल फिलहाल में नहीं किया गया है, बहुत पहले किया जा चुका था, और ना ही ये अमेरिका में किया गया था बल्कि इसे जापान में सबसे पहले परीक्षण किया गया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगर हम बात करें इसके पहले भाग में लिखा गया है कि यह व्यक्तिगत विकास किया गया था, नहीं, इसका व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं किया गया था। जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाया गया है उसे किसी भी व्यक्ति में उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कणों की प्रतिशत कम हो जाती है तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल ब्लड को उस इंसान में डाला जा सकता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति में डाला जा सकता है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा कहता है इसका उपयोग इबोला, सार्स आदि के मामलों में संक्रमण को दूर करने के लिए किया जा सकता है। जी नहीं, जो आर्टिफिशियल ब्लड है उसका इबोला, सार्स इत्यादि के इलाज के लिए नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को भी ये बीमारी होती है उनमें तो प्लाज्मा और WBC की समस्या आ जाती है, यानी कि जिन लोगों को इबोला और सार्स की बीमारी हो रही है उनमें WBC और प्लाज्मा का दिक्कत आ रहा है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड बनाए हैं और वो RBC से संबंधित है और ये बीमारी WBC और प्लाज्मा से संबंधित है, तो दोनों को इलाज करने में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप याद रखेंगे मैंने आपको आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में बताया कि ये लाल रक्त कण है, दूसरा ये किसी भी व्यक्ति में उपयोग किया जा सकता है, ये अमेरिका में उपयोग नहीं किया गया था, सबसे पहले जापान में इसे निर्मित किया गया था, और इसका उपयोग किसी भी बीमारी के इलाज के लिए किया जा सकता है जिस मामले में लाल रक्त कणों की आवश्यकता होगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गलत थे। कैसे? हम लोगों ने एक एक करके देख लिया, तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रख लें। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। रिचर्ड फेनमैन का एक प्रसिद्ध संवाद था, इस संवाद का विषय क्या था? मतलब एक लाइन लिखा गया है, इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको किसने कहा था? फेनमैन ने कहा था। वो किसके संबंध में कहा था आपको इसको बताना है। आपके दिए गए चार ऑप्शन में गहरे महासागरीय खनिज, भूतापीय खनिज, नैनो तकनीक और क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आपको बताना है कि ये जो लाइन कही गई थी फेनमैन के बारे में ये किसके संबंध में है। फ्रेंड्स, UPSC ऐसा प्रश्न पूछती है, आप सतर्क रहेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स फेनमैन के द्वारा कहे गए इस लाइन का, तो ये नैनो तकनीक से संबंधित थी। नैनो तकनीक के अंतर्गत जो नैनो कण होते हैं वो किसी तत्व के इतने छोटे कण होते हैं जिनका आकार 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो ये इतने छोटे होते हैं, इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इस अवधारणा को सबसे पहले इनके द्वारा ही, मतलब फेनमैन के द्वारा ही 1959 में, आई थिंक, एक बार आप देख लीजिएगा, 1959 में इन्होंने सबसे पहले इस अवधारणा को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि ये इतने छोटे कण हैं कि इसका उपयोग आने वाले टाइम पर बहुत सारे क्षेत्रों पर होने वाला है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में इनके द्वारा ऐसा कहा गया था। वो क्यों कहा गया था हम इसको अपने अगले क्वेश्चन के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप, जी हाँ, मैंने जैसे कहा कि 1959 में सबसे पहले कहा गया था, अमेरिका में एक व्याख्यान दे रहे थे एक विश्वविद्यालय में, तब उन्होंने इस ये को कहा था। ये जो नैनो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इनको रेगुलेट करके ब्लड के एक कोशिका में भेजा जा सकता है और उसको रिपेयर करने का कार्य किया जा सकता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होगा, इसी प्रकार से निगरानी रखना, इसी प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, नैनो स्तर पर पदार्थ के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तन होता है। कहने का ये मतलब है कि यदि कोई पदार्थ बड़ा है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, चाहे वो उच्च चालकता का होगा, चाहे तो वो उसमें बिल्कुल भी बिजली नहीं आती होगी, या फिर हो सकता है उसमें जंग नहीं लगता होगा, कुछ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लेकिन ये कह रहा है कि यदि उसको नैनो कर दिया जाए, मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में, तो उसके कौन से गुण जो होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे, ये आपको पूछ रहा है।
मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, तो उसी से संबंधित ये बात है। आप एक एक कथन को ध्यान से सुने, आप निश्चित रूप से यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप कर ले जाएंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी पदार्थ को नैनो कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यहाँ पर कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया उसकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया करने का गुण है वो परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा बता रहा है। देखिए, जो गोल्ड होता है ना, जो सोना होता है, वो ज़्यादा किसी के साथ में रासायनिक क्रिया नहीं करता है, इसीलिए सोने का आभूषण बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जो लोहे की तरह जंग नहीं लगता है। हालांकि उसमें कुछ समय के बाद में प्रदूषण का एक स्तर आ जाता है, जमा हो जाता है, लेकिन उसमें सामान्यतः जंग नहीं लगता है। और उसका मुख्य कारण है कि वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन यदि सोने को छोटे कण में, यानी कि नैनो कण में बदल दिया जाए, तो ये रिएक्शन करने लगता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उसका चेंज हो गया, पहले वो किसी भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा था, अब करेगा जब उसको हम लोगों ने नैनो कण में बदल दिया। तो पहला बिल्कुल सही है। उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाते हैं, यानी कि वो जिस तरह से मैकेनिकल कार्य करता था, जो कोई तत्व है उस तत्व का मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था, लेकिन यदि उसको नैनो कण में बदल दिया जाता है, तो उसके नैनो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो और ज़्यादा बदल जा रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो ये भी कार्य करता है। विद्युत चालकता के मामले में भी यही देखा गया कि जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम सोने का ही सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया था। हम सोने को ही लेकर देखते हैं, सोना को सबसे अच्छा माना जाता है विद्युत चालकता के मीटर में, लेकिन जब इसको नैनो कण में बदल दिया गया तो इसकी चालकता समाप्त हो गई। मतलब ये इतने छोटे हो गए, सोना जो था वो इतना छोटा हो गया, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया, वो विद्युत चालकता नहीं रखता था नैनो कण हो जाने के बाद, तो ये भी एक बात थी। उसी प्रकार से जो रिफ्लेक्सिव जो गुण होता है, मतलब जो अपवर्तनांक गुण होता है, मतलब जो कण आएंगे उसको अपने से पास होने देना या फिर नहीं देना, इस चीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसके मामले में भी ये देखा गया कि परिवर्तित हो जाता था। मतलब जो ठोस कण था, मतलब ठोस तत्व था, उस तत्व से सामान्यतः जो प्रकाश की किरणें थी वो पार नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब उसको नैनो कण में बदल दिया गया तो प्रकाश की किरणें उससे परिवर्तित हो रही थी, ये भी देखा गया। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। गलनांक के मामले में भी देखा गया कि परिवर्तन आ जाता है, सोने के मामला में ही किया गया था जैसे मैंने आपको बताया। तो सोने को सामान्यतः जो गोल्ड होता है उसका गलनांक लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, मतलब इतने में वो पिघल जाता है। लेकिन जो नैनो कण था ना, उसको जब 100 नैनोमीटर के आसपास किया गया तो ये बहुत कम तापमान में पिघलने लगा। यहाँ तक कि जब उसको 1 नैनोमीटर के आसपास किया गया तो ये तो और जल्दी पिघलने लगा। तो ये भी गलनांक में भी देखा गया। इसी प्रकार से रंग के मामले में भी देखा गया कि जो गोल्ड होते हैं वो सामान्यतः पीला होते हैं दिखने में, लेकिन जब उसको नैनो कण में बदल दिया गया तो वो लाल हो गए। तो ये सारे परिवर्तन आ जाते हैं यदि कोई तत्व है, उस तत्व को यदि नैनो कण में बदल दिया जाए तो। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, आप याद रखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, माइक्रोडॉट पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको तीन कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। हम एक एक करके देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, इसमें अदृश्य माइक्रोडॉट का वाहन के हिस्सों पर छिड़काव शामिल है जो एक विशिष्ट पहचान देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ माइक्रोडॉट पैच क्या होता है। माइक्रोडॉट पैच जो होता है वो एक प्रकार के ऐसे आकृति वाले किसी गाड़ी के अलग अलग भागों में दिया गया पहचान संख्या होता है। वो इतने छोटे होते हैं कि इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए केवल और केवल बहुत माइक्रोस्कोपिक तकनीक का ही उपयोग करके देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। सामान्यतः क्या होता था कि जो दिल्ली वगैरह शहरों में गाड़ियाँ रखी होती थी घरों के बाहर, वहाँ के चक्के चोरी हो गए, टायर को उठा के कोई रात में आप सोए गाड़ी खड़ा करके और निकाल के कोई ले गया, ये बहुत ज़्यादा होता है। और सुबह कभी कभी तो गाड़ी ऐसा होती है कि चोरी हो गई, सुबह तक गाड़ी को मॉडिफाई कर दिया गया, इसका इंजन, इसका कुछ कुछ सामानों को दूसरे गाड़ी में, और इसका बॉडी किसी तीसरे गाड़ी में, इसका चक्का चौथी गाड़ी में बदल दिया। अब उसको जोड़ते रहो, खोजते रहो, पुलिस खोजती रह जाती थी। तो इन सारी समस्याओं को निपटने के लिए अभी भारत सरकार का
जो परिवहन मंत्रालय है उन्होंने एक तकनीक खोजा और उसके अंतर्गत क्या किया गया कि हर गाड़ी के एक एक पार्ट पर अपना पहचान संख्या दिया जाएगा, उनको पहचानने के लिए एक अलग प्रकार की तकनीक को लागू की जाएगी और उसे ही माइक्रोडॉट पैच कहा गया। मतलब हर बॉडी पार्ट पर, चाहे वो चक्का का हो या फिर इंजन हो या फिर कोई छोटा सा पार्ट हो जैसे स्क्रू वगैरह होते हैं, उसमें भी इसे डाला जा सकता है, क्योंकि जो एक डॉट होते हैं ना, एक डॉट होते हैं, उस डॉट के बराबर बहुत सारी जानकारियां लिखी जा सकती हैं इस तकनीक के माध्यम से। तो पहला कथन यही कह रहा था कि ये अदृश्य माइक्रोडॉट का वाहन के हिस्सों पर छिड़काव शामिल है जो विशिष्ट पहचान देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा था यह सड़क दुर्घटना को कम करेगा। कैसे करेगा? ये तो पहचान देने के लिए अपनाया गया एक तकनीक है, तो ये सड़क दुर्घटना को कैसे कम करेगा? ये तो चोरी को रोकने का कार्य करेगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दूसरा गलत है। ये कितना छोटा होता है आप इस यहां देख सकते हैं, ये एक डॉट है, वहां पर इतनी सारी जानकारियां लिखी गई हैं, एक डॉट है और उसमें इतनी सारी जानकारियां लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस अवधारणा के साथ लाया गया है, काफी सफल होगा आई होप। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम आज के अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।